वेलकम बैक फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने किया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। एक्सरसाइज 4.2 पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स शो दैट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। हमने इसको इसके इक्वल दिखाना है और प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करके इन क्वेश्चंस को करने का क्या प्रोसीजर होता है, इसके लिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड ली, इन क्वेश्चन में क्या होता है, आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो बनाना होता है डिटरमिनेंट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा जीरो, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स का यूज करके। ज्यादा से जीरो, ज्यादा जीरो बनाने का मतलब है तीन जीरो तो बनेगी नहीं, तो फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू तो जीरो आ जाएगी। मैक्सिमम दो जीरो बन सकती हैं किसी भी रो या कॉलम में, या कहीं पे भी आ जाए जीरो जीरो बन जाए, जिससे कि हम उसको एक्सपेंड करें तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो जीरो जीरो बनाने के लिए सबसे पहले किसी रो या कॉलम में से कोई एलिमेंट आपका कॉमन आ जाए। कॉमन देखो, आप आर वन से कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन है, बट इसमें एक्स कॉमन नहीं है, ना तो रो से कॉमन आ रहा है ना ही किसी हमारे कॉलम से कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, अगर कोई कॉमन नहीं है तो वन वन, अगर रो के एलिमेंट वन वन है तो मैंने आपको बताया था आप दो जीरो बना सकते हो, कॉलम के एलिमेंट वन वन है तो रो ऑपरेशन यूज कर सकते हो, आर टू माइनस आर वन, आर थ्री माइनस आर वन। अगर कॉलम के एलिमेंट वन वन है तो रो ऑपरेशन यूज कर सकते हो, रो के एलिमेंट है तो आप कॉलम का ऑपरेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके एलिमेंट्स वन वन भी नहीं है, ना ही कॉलम ना ही रो के एलिमेंट्स हमारे वन वन है, तो आप क्या करें, कॉलम्स को ऐड करके देखें, C1 प्लस C2 प्लस C3 या C1 प्लस C3 ऑपरेट करके देखें कॉलम्स को या रो को, किसी भी रो या कॉलम्स के क्या हमारे एलिमेंट सेम बन रहे हैं। अगर सेम बन रहा है तो वेल डन, सेम बनने का फायदा क्या है, फिर आप उस एलिमेंट को कॉमन ले लो तो वन वन बच जाएंगे ना कॉमन लेने के बाद, तो फिर आप दो जीरो बना सकते हैं। अब किस सिचुएशन में देखें, ना तो हमारे एलिमेंट वन वन है, ना आप C1 प्लस C2 प्लस C3 करने से या R1 प्लस R2 प्लस R3 करने से हमारा एलिमेंट सेम आ रहा है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में हमारी डिवीजन बताती है हमें इसको कैसे करना है, तो आप ये ऑपरेशन यूज कीजिए, R2 गोज टू R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, किसी भी एक रो को माइनस कर दो, एक साथ दो ऑपरेशन यूज करने का बेनिफिट है कि कैलकुलेशन हमारी थोड़ी शॉर्ट में हो जाएगी, लेंथी नहीं जाएगी। ठीक है, वैल्यू डिटरमिनेंट की सेम रहेगी, प्रॉपर्टी 6 कहती है अगर इस टाइप के आप ऑपरेशन यूज करते हैं तो वैल्यू डिटरमिनेंट की क्या रहती है, सेम रहती है। देखो R2 माइनस R1, ये R2 है हमारी, ये R1 है, y माइनस x, y माइनस x यहां पे आ रहा है, z माइनस x, R3 माइनस R1, z माइनस x ही आ रहा है, थोड़ा ये आइडिया आ सकता है आपको। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, ये R1 हमारी सेम रहेगी, x x स्क्वायर y z, y माइनस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, zx माइनस yz, z माइनस x, z स्क्वायर माइनस x की स्क्वायर, xy माइनस yz। ठीक है, ना तो हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ना आगे माइनस आएगा, ना हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी 6 कहती है दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू, इस डिटरमिनेंट की और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखो y माइनस x इसमें से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आप z कॉमन लेने के बाद y माइनस x ही बचेगा, दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करते हैं हम, x x स्क्वायर y z, तो इसके दो फैक्टर्स बन जाएंगे y माइनस x, y प्लस x, तो यहाँ पे लिख दीजिए y z, तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है हमारा, z कॉमन आ रहा है x माइनस y, यहाँ पे z माइनस x, दो फैक्टर्स इसके बन जाएंगे z माइनस x, z प्लस x, y को मन आ गया x माइनस, हमारा y को मन आ गया x माइनस z। ठीक है, अब देखो y माइनस x को मन आ रहा है, यहां पे y माइनस x नहीं है, तो यहां से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेना आता है आपको, कॉमन लिया तो ये z तो है ही, तो y प्लस का बन गया, x किसका बन गया, माइनस का। ये स्टेप लिख के दिखाने की हमें जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कॉमन ले लेंगे, टेकिंग कॉमन, क्या लिखेंगे हम, टेकिंग कॉमन y माइनस x,
एंड जेड माइनस एक्स फ्रॉम आर टू एंड आर थ्री। मैंने आपको याद है प्रॉपर्टी फोर बताई थी। प्रॉपर्टी फोर क्या कहती है, किसी भी डिटरमिनेंट में से, किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी रो या कॉलम से अगर कोई भी कॉमन फैक्टर है तो वो आप कॉमन ले सकते हैं। प्रॉपर्टी फोर, तो कॉमन आ रहा है y माइनस एक्स, ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू y माइनस एक्स और z माइनस एक्स, तो x x स्क्वायर y z, यहां पे 1 y प्लस एक्स, देखिए कॉमन ले लिया तो y माइनस एक्स तो माइनस जेड हो गया ना, ठीक है, z माइनस एक्स 1, z माइनस एक्स लिया तो z प्लस एक्स, और यहां पे हमने z माइनस एक्स लिया है बट ये तो x माइनस जेड है तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाई, ठीक है। अब आप, हमने कॉमन ले लिया, अब आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमारी इतनी टिपिकल नहीं है, या आप जीरो बना सकते हैं, अभी भी आप 1 माइनस 1 क्या बना सकते हैं, एक जीरो और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जीरो, इस टाइप पे, इस स्टेज पे आके आप एक्सपेंड कर सकते हैं, कैलकुलेशन इतनी टफ नहीं है, बट एक जीरो और बनाना चाहें तो आप जीरो बना सकते हैं। कैसे, इसमें से इसको माइनस कर दो, आर टू माइनस आर थ्री कर दो या आर थ्री माइनस आर टू कर दें, ठीक है। अब ध्यान से देखें, जेड माइनस वाई, वाई माइनस जेड आ गया तो आर टू माइनस आर थ्री कर दें, आर टू गोज टू आर टू माइनस आर थ्री, y माइनस एक्स 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 की स्क्वायर वाई जेड, वन माइनस वन जीरो, देखो इसमें से ये माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचा y माइनस जेड, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं r2 में से r3 को माइनस कर रहे हैं तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा ना, तो y माइनस जेड आया हमारा, और वन जेड प्लस एक्स, समझ आया, y माइनस जेड कॉमन आ जाएगा हमारा, टेकिंग y माइनस जेड कॉमन फ्रॉम सी आर टू, आर टू से कॉमन ले लिया हमने, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स y माइनस जेड, ध्यान दे आ रहा है ना हमारा राइट हैंड साइड में y माइनस जेड आ रहा है, तो क्या बचा हमारे पास, x x की स्क्वायर y z 0 1 1 1 z प्लस x माइनस y। अब एक्सपेंड कर दें आप, ठीक है, और ज्यादा जीरो बनाने की जरूरत नहीं है, जीरो बना सकते हैं आप, कैलकुलेशन हमारी इतनी टफ नहीं है। एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के लोग c1 के लोग एक्सपेंड कर दें, क्योंकि इसमें जीरो है, आप उसी के लोग एक्सपेंड करें जिसमें जीरो हो, मैक्सिमम नंबर जीरो C1, तो देखिए आ गया y माइनस एक्स x, तो x आया तो हमारा क्या बना, माइनस y माइनस, ध्यान दें मैं पूरा कंप्लीट लिख देता हूं, x डिटरमिनेंट क्या है, वन जेड प्लस एक्स वन माइनस वाई जीरो, जीरो के लिए तो डिटरमिनेंट की लिखने की इसके साथ कोई जरूरी नहीं है, और इस पे कौन सा साइन होता है, प्लस वन होता है, प्लस वन, तो क्या है एक्स क्यूब वन, ध्यान दें एक्स क्यूब वन वाई जेड वन, ये आ गया हमारे पास, दिस इज वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड। अब ध्यान दें एक्स माइनस वाई और माइनस होगा तो माइनस जेड माइनस एक्स हो गया, और ये क्या हो गया, प्लस एक्स क्यूब माइनस वाई जेड, दिस इज वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड, ये हो गया हमारा माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स की स्क्वायर माइनस वाई जेड, देखो एक्स की स्क्वायर से एक्स की स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, इस माइनस को हम क्या करें, कॉमन ले सकते हैं आप, इसको रब कर दूं यहां पे, इस माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे,
तो क्या बचा माइनस y माइनस एक्स, z माइनस एक्स, y माइनस z, और अंदर क्या बचा एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। अब ध्यान दें कि माइनस को कैसे फिनिश करेंगे, z माइनस एक्स है हमारा, y माइनस जेड भी है, x माइनस वाई चाहिए, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा प्लस का बन गया ना, x माइनस वाई ये एज इट इज, ये एज इट इज, और ये आ गया एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड। कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ध्यान दें जो हमारा क्वेश्चन था, एक मिनट स्टूडेंट्स इसको रफ कर दूं। अब जैसे ये आपका क्वेश्चन है एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड की स्क्वायर, वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। दूसरा ठीक आपको बताता हूं, इसको मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं एक्स वाई जेड हो गया किसको, यानी कि आर वन को, और आर टू को कर दूं मैं वाई से मल्टीप्लाई, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं जेड से मल्टीप्लाई। अलग अलग मल्टीप्लाई होती है, ऐसे नहीं है आपने कि पूरे का, जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते थे पूरे का पूरा, जैसे फोर है और मैट्रिक्स है कोई भी हमारा, तो पूरी पूरी मल्टीप्लाई हो जाता था ना, इसमें ऐसा नहीं होता। या तो आर वन से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक्स से, आर टू को कर दिया वाई से, और आर थ्री को कर दिया जेड से, तो सारे एलिमेंट सेम बन जाएंगे, तो मैं उसको कॉमन ले लूं। बट ये कैलकुलेशन, इस कैलकुलेशन की बजाय में टफ है, तो इसलिए हमने ये फॉलो नहीं किया, आप कर सकते हैं अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये मेथड फॉलो करें बेटर।